हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो इन टुडेज वीडियो आई हैव चूजन द टॉपिक डीकोलोनाइजिंग द माइंड। सो व्हाट दिस टॉपिक इज अबाउट, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज। ये क्या है, एक एसे का कलेक्शन है। इसका पूरा जो टाइटल है वो है डीकोलोनाइजिंग द माइंड द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर। सो दिस कलेक्शन ऑफ एसेज इज रिटन बाय अ केनियन नॉवेलिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल थियोरिस्ट गुगी वा थियोंगो। इसे किसने लिखा है, एक केनियन थियोरिस्ट और नॉवेलिस्ट गुगी वा थियोंगो ने, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1986। सो फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यू टर्म्स एंड फिनोमेनन। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दोस। तो डीकोलोनाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉलोनाइजेशन का मतलब समझना होगा कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है। Colonization refers to the subjugation of one country by the other militarily advanced and powerful nation. So subjugation का मतलब होता है process of bringing something under control. So what is something here? Country. ठीक है, एक weak country जिसे एक बड़े country ने, मतलब जो militarily advanced country है, powerful country है, उसे वो अपने control में ले आती है, मतलब उस पर control करने लगती है, उसमें rule करने लगती है, तो उस process को क्या बोलते हैं, colonization. तो जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे इंडिया में, तो जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स का क्या था, कॉलोनी था। तो जो पावरफुल कंट्री होती है वो ऐसे ही छोटे देशों में जाती है, उसको कॉलोनीज बनाते हैं, उसके रिसोर्सेस को यूज करते हैं अपने नेशन के बेनिफिट के लिए। तो जब कोई कंट्री कॉलोनी बन जाती है किसी पावरफुल कंट्री की, तो उस कॉलोनियल कंट्री में क्या चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनके लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं, फिर उनके कल्चर चेंज हो जाते हैं, उनके इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाती है, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं। सो कॉलोनाइजेशन रिजल्ट्स इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड सोशल चेंजेस इन द सब्जुगेटेड कंट्री। तो अब समझते हैं डीकोलोनाइजेशन का मतलब। जैसे कॉलोनाइजेशन का मतलब है कि किसी कंट्री या प्लेस या कोई टेरिटरी को अपने कंट्रोल के अंदर ले आना, तो वैसे ही उसका अपोजिट है डीकोलोनाइजेशन, किसी भी कंट्री, प्लेस या टेरिटरी को फ्री करना, उसको फ्रीडम दे देना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकोलोनाइजेशन। सो डीकोलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कॉलोनीज बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री। इसे थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। Decolonization is about cultural, psychological and economic freedom for indigenous people with the goal of achieving indigenous sovereignty. तो indigenous people मतलब जो native people होते हैं, जो original people होते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Decolonization is about cultural, psychological and economic freedom for indigenous people, मतलब native people, with the goal of achieving indigenous sovereignty, मतलब authority, ठीक है, पूरे complete right मिले किसको, ये इंडिजिनस पीपल को, कल्चरल राइट, इकोनॉमिकल राइट, तभी जाके उसको कहा जाएगा डीकोलोनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉवेलिस्ट है गुगी वा थियोंगो, वो अपने इस एसे डीकोलोनाइजिंग द माइंड में क्या कहे हैं, मैं इसे बहुत ही शॉर्ट में पहले आपको समझा दे रही हूँ। उन्होंने बहुत ही गहरी बात कही है इसमें। उन्होंने कहा है कि हम लोग भले ही एक्सटर्नली डीकोलोनाइज्ड हो गए हैं, पर इंटरनली हम लोग अभी भी कॉलोनाइज्ड हैं। तो ये अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो अफ्रीका भी इंडिया की तरह कई सालों तक यूरोपियन कंट्री का कॉलोनी रहा। तो मेन फोकस गुगी का इस एसे में है लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग भले ही फिजिकली डीकोलोनाइज्ड हो गए हैं, मतलब बाहर से एक्सटर्नली हम लोग डीकोलोनाइज्ड हो गए हैं, लेकिन जो हमारी मेंटालिटी है वो अभी भी कॉलोनाइज्ड है, अभी भी वो कंट्रोल में है यूरोपियंस के, वेस्ट के कंट्रोल में है। आज हमें वेस्ट से फ्रीडम तो मिल गया है, यूरोपियन कंट्रीज से फ्रीडम तो मिल गया है, लेकिन आज भी हम उन्हीं के कल्चर्स को फॉलो करते हैं, उनके लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और उनके लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने ये बात तो एकदम 100% सही कहा है, सच कहा है। आप खुद ही देख लो कि इंडिया में भी अगर कोई हायर स्टडीज है, मतलब जो मेडिकल होता है, इंजीनियरिंग होता है, वो सभी इंग्लिश में होता है, उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो इंग्लिश में। आप कहीं भी नहीं पाओगे पूरे इंडिया में जहाँ पर मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में हो रही हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में हो रही हो, सभी के सभी जो हायर स्टडीज है वो इंग्लिश में ही होता है। तो सेम कंडीशन जैसे इंडिया की है, वैसे ही अफ्रीकन कंट्रीज भी है। लेकिन अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सब जगह अगर आप जाएंगे, तो इनकी जो हायर स्टडीज है वो सब इन्हीं के लैंग्वेज में होती है, ये लोग इंग्लिश का सहारा नहीं लेते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो यही कंट्री इंडिपेंडेंट है,
अगर हमें जापान में जॉब चाहिए तो हमें इंग्लिश आए ये काफी नहीं है, हमें जैपनीज लैंग्वेज आना चाहिए, तब जाके हमें वहां पे कोई जॉब मिल सकता है। तो जब हम हिंदी भी बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई इंग्लिश वर्ड आ ही जाता है। बिना इंग्लिश के हेल्प लिए हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, इस तरीके से हमारा माइंड कॉलोनाइज्ड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यही पर्सपेक्टिव को गोगी वाथियोंगो ने अपने एसे डीकॉलोनाइजिंग द माइंड में एक्सप्रेस किया है, समझाया है। तो चलिए उसे देखते हैं। अब डीकॉलोनाइजिंग द माइंड इज रिटन बाय गोगी वाथियोंगो। इट इज अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स कंस्ट्रक्टिव रोल इन नेशनल कल्चर, हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी। डीकॉलोनाइजिंग द माइंड इज गोगी वाथियोंगो's कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिबेट ऑन द चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन अ पोस्ट कॉलोनियल कंट्री। तो गोगी अपने बुक में ये कह रहे हैं कि अफ्रीकन्स को अपने रिसोर्सेज पे, अपने कल्चर पे तब अथॉरिटी मिलेगा जब सारे यूरोपियन लैंग्वेज जो है अफ्रीकन नेटिव लैंग्वेज से रिप्लेस हो जाएंगे। इन दिस बुक ही आर्ग्यूज दैट अफ्रीका विल बी एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ वेस्टर्न कंट्रोल ओवर इट्स रिसोर्सेज एंड कल्चर ओनली व्हेन द यूज ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस इज रिप्लेस्ड बाय नेटिव लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इस एसे के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, और ये सारे पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो गोगी ने इस बुक के इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, तो इस इंट्रोडक्शन का टाइटल था Towards the Universal Language of Struggle। तो गोगी क्या लिखे हैं, This book is a summary of some of the issues in which I have been passionately involved for the last 20 years of my practice in fiction, theater, criticism and in teaching literature। तो गोगी ने क्या कहा है, ये जो बुक है वो सारे इश्यूज का समरी है। कैसा इश्यूज? इश्यूज ऑफ अथॉरिटी ऑफ लैंग्वेज, अथॉरिटी ऑफ रिसोर्सेस, कल्चर, ये जो सारे इश्यूज हैं उसका ये समरी है ये बुक। तो ये ऐसे क्या बताता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर उसका इम्पैक्ट नेटिव लैंग्वेज पे और उसका प्रेजेंट कंडीशन क्या है। दिस ऐसे टॉक्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द ब्रिटिश इन द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज, इम्पैक्ट ऑफ सच एक्ट अपॉन द नेटिव लैंग्वेजेस एंड इट्स प्रेजेंट कंडीशन। थियोंग्स टॉक्स अबाउट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विथ हिज मदर टंग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। थियोंग्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इस बुक में शेयर किए हैं, अपने मदर टंग को लेकर जो उनका एक्सपीरियंस था और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर जो उनका एक्सपीरियंस था, वो चीज इन्होंने इस बुक में शेयर किया है। थियोंग शेयर्स इंसिडेंट्स ऑफ ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस अंडरगॉन बाय द गिक्यू स्पीकिंग चिल्ड्रेन इन स्कूल। जो उनका मदर टंग था गिक्यू, अगर उस लैंग्वेज में कोई बच्चे बात कर रहे थे तो उनको अलग अलग टाइप के पनिशमेंट दिए गए हैं, तो वो एक्सपीरियंस को भी थियोंग ने अपने इस बुक में शेयर किया है। तो इन सारे इंसिडेंट के वजह से जो इनका मदर टंग था और इंग्लिश के बीच में बहुत गैप आ गए, क्योंकि मदर टंग जो है वो पीछे रह गया और इंग्लिश का जो यूजेस है वो बढ़ते चला गया। फिर 1977 से थियोंग जो है अपना राइटिंग स्टार्ट किए, और वो सारे राइटिंग्स जो थे, जो सारे लिटरेरी वर्क थे, वो गिक्यू लैंग्वेज में थे, उनके मदर टंग में थे। तो ये उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसके बाद से यूरोपियन कंट्रीज ने कई बार इनको कन्फ्रंट किया इस एक्ट के लिए। सोचो, अपने ही देश में अपने लैंग्वेज को ये लोग यूज नहीं कर पा रहे थे। थियोंग बिलीव्स दैट हिज राइटिंग इन गिक्यू इज द पार्ट ऑफ द एंटी इंपीरियलिस्टिक स्ट्रगल्स ऑफ अफ्रीकन, स्पेशली केनियन पीपल। तो थियोंग क्या बिलीव करते थे, क्या सोचते थे, कि अगर वो गिक्यू लैंग्वेज में लिखना कंटिन्यू करेंगे तो एक तरीके से ये प्रोटेस्ट रहेगा इंपीरियल पावर के अगेंस्ट। आगे के पॉइंट्स में हम थियोंग्स के विजन्स देखेंगे। He does not want to see the future generation, specially school children, growing up in the imperialistic tradition. तो थियोंग ये नहीं चाहते थे कि जो केनिया के फ्यूचर जनरेशन है वो इंपीरियलिस्टिक ट्रेडिशन के इन्फ्लुएंस में ग्रो हो, मतलब जो ये फॉरेन रूलर्स थे उनके इन्फ्लुएंस में वो ग्रो हो, बल्कि वो क्या चाहते थे कि वो उनका जो ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट है उसमें वो पले बढ़े। थियोंग विजुलाइजेस अ फ्यूचर वेयर ही कुड सी द रिस्टोरेशन ऑफ हार्मनी इन लैंग्वेज। तो थियोंग क्या विजुलाइज कर रहे थे, अपने लैंग्वेज का रिस्टोरेशन, जो उनका नेटिव लैंग्वेज था उसका रिस्टोरेशन। He desires to see the Kenyan national languages having a literature which reflect rhythm of the language as well as the native social nature and their struggle with nature. तो वो क्या चाह रहे थे, जो केनिया में जो भी लिटरेचर लिखा जाए वो इनके लैंग्वेजेस में हो, इनके नेशनल लैंग्वेजेस में लिखा जाए। फिर आगे वो क्या कहते हैं, In such a harmonious situation, one can learn other languages and could enjoy revolutionary elements in other languages. So, Thiong's क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा harmonious situation रहा
तो कोई भी दूसरे लैंग्वेज को भी सीख सकता है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को भी सीख सकता है एक रेवोल्यूशनरी एलिमेंट के तौर पे, मतलब एक चेंज के तौर पे, ना कि किसी कॉम्प्लेक्स में आकर कि मेरा मदर टंग कैसा है, कितना अनडेवलप्ड है, मेरा एनवायरमेंट कैसा है। सो इफ दिस विल हैपन इट विल बेनिफिट द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केनिया टू लिव इन हार्मनी। फ्रेंड्स अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिया है जिसका आंसर सेम होगा, जो मैंने वीडियो में नोट्स दिए हैं बस वही आपको लिखना है, आपका आंसर एकदम परफेक्ट रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज गुगीवा थियोंगो एडवोकेट डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड विथ रेफरेंस टू अफ्रीकन लिटरेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। तो इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इलेबोरेट करना है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज डीकोलोनाइजिंग द माइंड, अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सो फ्रेंड्स आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय।